नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको हम न्यूरोथेरेपी द्वारा किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आप ये बात समझ लें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलन पार्ट होता है उसमें इंफ्लेमेशन, स्वेलिंग और रेडनेस जब आ जाती है, और उसी रेडनेस को हम अगर मेडिकल लैंग्वेज में बोलें तो अल्सर हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम को ही अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि न्यूरोथेरेपी द्वारा ऐसा माना गया है कि किसी भी प्रॉब्लम में अगर ITIS आ रहा है तो वह प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, अब आप ये समझ लें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसे होता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा तला भुना हुआ खाना खाते हैं, उसकी वजह से उनके कोलन की मेम्ब्रेन जो है वो इरिटेट हो जाती है। इरिटेट होने की वजह से ही उसमें रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है और घाव बन जाता है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो उस कंडीशन में ऐसे लोगों को बहुत सारी घातक समस्याएं हो सकती हैं या हो जाती हैं। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, सबसे फर्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस क्यों, क्योंकि जब हमारे द्वारा खाए हुए भोजन का पोषक तत्वों को जब इंटेस्टाइन हमारी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती या अवशोषित नहीं कर पाती, उस कंडीशन में हमारे शरीर की बोन डेंसिटी जो है वो वीक हो जाती है, और बोन डेंसिटी वीक होने की वजह से ही हमें ऑस्टियोपोरोसिस या अर्थराइटिस जैसी घातक समस्याएं देखने को मिलती हैं। कई बार तो अगर किसी भी इंसान को अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो कई बार वो कैंसर में भी बदल जाता है, क्योंकि जब कोलन की मेम्ब्रेन जो है वो इरिटेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो उस कंडीशन में वो मेम्ब्रेन थिक होने की वजह से कई बार कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको होने के बाद क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोलन की मेम्ब्रेन जो है वो इरिटेट हो जाती है, उस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को लूज मोशन या डायरिया, जैसे कुछ भी खाया उन्होंने और उनको तुरंत ऐसा सेंसेशन होता है कि अब मेरे को फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा, और जाना पड़ता है। जब कोई भी इंसान बार बार फ्रेश होने के लिए जाएगा तो डेफिनेटली उसकी बॉडी में वीकनेस आना लाजमी है, आएगी ही आएगी वीकनेस। तो आप ये बात समझ लें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है
वह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और अगर कोई भी इंसान इसे बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ग्रसित रहेगा तो उसको कई सारी बीमारियां जो है वो लग सकती हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और डिहाइड्रेशन होने का कारण कि जब हम बार बार फ्रेश होने के लिए जाते हैं उसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उसी पानी की कमी को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अभी देखते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले व्यक्ति को सामान्यतः क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सामान्यतः बार बार पॉटी का आना, पॉटी जो है वो बहुत लूज आती है, कई बार तो जब हम फ्रेश होने जाते हैं पॉटी में म्यूकस आता है, पॉटी में ब्लड आता है, पेट में दर्द रहता है, नाभि के आसपास ऐंठन रहती है जैसे क्रैम्प टाइप, रेक्टम में पेन होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है और ब्लोटिंग तो जब भी हम कुछ खाते हैं बहुत ही ज्यादा रहती है। इनमें कई बार क्या बहुत ज्यादा वीकनेस भी रहती है ऐसे व्यक्तियों को। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले व्यक्ति को क्या क्या नहीं खाना, ये आप ध्यान से सुन लें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले व्यक्ति को क्या क्या नहीं खाना है। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले व्यक्ति को मिर्च, मसाले, तली हुई चीजें, मेवे और बहुत ज्यादा हैवी चीज, हैवी इन द सेंस मिठाइयां वगैरह या दूध से बने हुए प्रोडक्ट, दूध है, पनीर है, ये नहीं लेना। एल्कोहल, नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर हम सब्जियों की बात करें तो टमाटर है, बैंगन है, मटर है, आपकी शिमला मिर्च है, ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसी चीजें जिनमें सॉर्बिटॉल पड़ा हुआ होता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं खानी। और दोस्तों एक विशेष चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें कि अजीनोमोटो यूज हुआ है वह हमें बिल्कुल भी नहीं खानी, क्योंकि अजीनोमोटो जो है वो हमारी एसिडिटी को बहुत हाइपर कर देता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले व्यक्ति को मैदा या मैदे से बनी हुई चीजें नहीं खानी, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेना, हमें चाय, कॉफी, क्योंकि कॉफी में बहुत ज्यादा कैफीन होता है इसीलिए हमें नहीं लेना। अभी हमें लेना क्या क्या है वह मैं आपको एक बार बताता हूं। हरी सब्जियों में भी हमें तेल, मिर्च, मसाले का बहुत कम यूज करना है नाम मात्र के लिए। हरी सब्जियों के साथ में हम नारियल पानी ले सकते हैं, हम पानी ले सकते हैं और ऐसी कोई भी चीज जो कि उस कंडीशन में हमें थोड़ी बहुत भी डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कई लोग
चावल जो है वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो हम चावल ले सकते हैं। तो डाइट जो है अपनी वो बहुत हल्की रखें अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले व्यक्ति। अभी मैं आपको इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हम न्यूरोथेरेपी में क्या कर सकते हैं, और बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूरोथेरेपी में ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा जाता है कि जिन प्रॉब्लम्स के नाम में ITIS आता है वह प्रॉब्लम्स इंफ्लेमेशन की होती हैं, और इंफ्लेमेशन के लिए हम न्यूरोथेरेपी में 30 मेडुला पॉइंट करते हैं। अभी मैं बताता हूं आपको कि 30 मेडुला करना कैसे है। जैसे आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें मैंने आपको मेडुला पॉइंट जो है वो बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं हम कि 30 मेडुला में करना कैसे है। सबसे मेन कान के नीचे जो ये हमारी नर्व है इस पे हमने 30 पेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 फर्स्ट लेफ्ट देन राइट। ऐसे ही 30 पेयर्स जो हैं वो राइट हैंड साइड में भी करने हैं, और राइट हैंड साइड में भी जब हम करेंगे तो वही कान के नीचे वाली नर्व पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये है अपना 30 मेडुला पॉइंट। इसको आप दिन में 3 बारी भी कर सकते हैं। मित्रों आप ये समझ लेना, और अगर कोई भी कैसा भी डाउट हो अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेके तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करें कि आपको ये चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या अगर इसका और फर्दर कोई आपको पॉइंट पूछना है आप निसंकोच बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करें, और हम आपको हमारी टीम आपको तुरंत उस चीज के लिए आपकी पूरी हेल्प करेगी। और मैं आशा करता हूं कि आप निसंकोच होके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।